वन नेशन वन इलेक्शन, एक ऐसा मुद्दा जो सालों से लगातार देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या देश में अब एक साथ सभी चुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में मोदी सरकार की ओर से एक पैनल बनाया गया था। पैनल ने कुल 62 राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी थी। इसमें से 18 दलों के साथ इस कमेटी ने व्यक्तिगत बातचीत भी की थी और इसके बाद अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आखिरकार सौंप दी है। दिलचस्प बात यह है कि अपनी राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इस वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, वहीं 15 सियासी दल ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार किया है, इस पर अपना कड़ा विरोध भी जताया है। आपको बता दें कि जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव का सपोर्ट किया है उसमें से केवल दो ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP, ये भी बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा है। चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य सभी 4 दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और CPI है। इन चारों पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। बीजेपी और NPP के अलावा जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया उसमें दक्षिण की AIADMK शामिल है, बीजेपी के सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अपना दल, असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ऑफ असम, नीतीश कुमार की JDU जो हाल ही में महागठबंधन छोड़कर NDA में लौटी है, इसके अलावा बीजू जनता दल, शिंदे गुट वाली शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध वाली पार्टियों की बात करें तो 4 राष्ट्रीय पार्टियां जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPIM और BSP है। इसके अलावा AIUDF, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, CPI, DMK, नागा पीपुल्स फ्रंट और समाजवादी पार्टी इसमें शामिल है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने इस साल 18 जनवरी को पैनल को अपना जवाब सौंपा था, जिसके बाद 8 फरवरी को उनसे व्यक्तिगत बातचीत हुई। अपने जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक साथ चुनाव लोकतंत्र, संविधान की बुनियादी संरचना और देश की संघीय राजनीति को कमजोर कर देंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से संविधान की बुनियादी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे जो फेडरलिज्म की गारंटी के खिलाफ है और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। कांग्रेस ने बार बार चुनाव कराने की लागत बचाने के तर्क को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वन नेशन वन इलेक्शन पर सौंपी गई रिपोर्ट में 2-स्टेप प्रोसेस की सिफारिश की है, यानी पहले स्टेप में लोकसभा चुनाव के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं, वहीं दूसरे स्टेप में इसके 100 दिन के भीतर सभी निकाय चुनाव कराए जाएं। ऐसा कहना है देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी की 18,626 पेज की रिपोर्ट का। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आप देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप अपनी राय कमेंट में बताइए, अगर नहीं तो क्यों वो भी अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए RN News को।